सो गाइज, मुसलसल वेबिनार चल रहा है ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, जिसमें हम बताते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाएगा। और पेड इन्वेस्टमेंट, सॉरी, पेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करके स्किल के ऊपर, स्किल 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 यू नो स्किल स्किल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके स्किल सीख के कैसे अर्निंग कर सकते हो, ये दोनों तरीके बताते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो दोनों में से एक भी या दोनों जानने में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते बिल्कुल हो। मैसेज जब करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप जेन्युइन हो, जेन्युइनली आप कुछ सीखना चाहते हो वेबिनार, ऐसा ना हो कि मुझे बच्चों जैसे पीछे पढ़ना पड़े। और सर, आप वेबिनार पे आएंगे आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है, और एक ही बार टिकट मिलेगी वेबिनार की फ्री में, ठीक है जी, समझ रहे हो, फ्री में कर रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे आपसे। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके आइए। और ये देखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा कब से, आप जाके डायरेक्टली मैसेज ठोक दीजिए, अपना नाम लिख देना वहाँ पे। हाँ तो गाइज, ठीक आज का है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सद्दाम हुसैन के बारे में है ये वीडियो। Top 50 facts अबाउट सद्दाम हुसैन, 50 facts बाय, लेट्स स्टार्ट क्या दिस आप जानते हैं कि वीडियो। सद्दाम हुसैन इराक के सबसे ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान थे? उन्होंने अपने 26 लीटर खून से एक कुरान लिखवाया जो आज भी इराक में मौजूद है। सद्दाम हुसैन ने बड़े पैमाने पर मस्जिद, मदरसों और अस्पतालों का बट निर्माण ये सही नहीं है करवाया। ना, उनके खून दौर में इराक पाक नहीं अपने होता ना, क्षेत्र ऐसा की होता सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सही गया बात है ही नहीं, था। बताओ। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में इराक के लोग सबसे बेहतरीन जीवन जी रहे थे। 1980 में यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए सद्दाम हुसैन को यूनेस्को अवार्ड से भी सम्मानित किया। सद्दाम हुसैन ने इराक में बहुत से मदरसों और मस्जिदों की स्थापना की। उनकी बनवाई गई उम्मुल मारिक मस्जिद को आज भी लोग दूर दूर से देखने आते हैं। क्या सद्दाम चीज़ हुसैन है, ने इस मस्जिद की मीनारें स्कड मिसाइल की तरह बनवाई। ये वही मिसाइलें थी जिनसे सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर हमला किया था। स्कड मिसाइल की तरह बनी 43 मीटर ऊंची ये मीनारें आज भी दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। सद्दाम हुसैन ने इराक के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनकी दौरे हुकूमत में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमानों पर पहुंच गया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लेबोरेटरी और रसदगाहों को बनवाने का काम शुरू किया जिनसे लाखों वैज्ञानिक पैदा हुए। उनकी दौरे हुकूमत में ही इराक आधुनिक मिसाइलों को बनाने में कामयाब हो पाया। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन न्यू इंटरनेशनलिस्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन के दौर में इराक सबसे ज्यादा संपन्न देश था। उन्होंने बड़े पैमाने पर अस्पतालों, स्कूलों और रोडों का निर्माण करवाया जो आज भी उनकी महानता की गाथा सुना रही है। सद्दाम हुसैन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इराक में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। उनके शासन में रहने वाले हर इंसान को शिक्षा हासिल करना जरूरी था। सद्दाम हुसैन की लोकप्रियता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो अपने वक्त के अरब देशों के सबसे मशहूर इंसान थे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कई बार कत्ल करवाने की कोशिश की। यही वजह है कि सद्दाम हुसैन जब भी बाहर निकलते तो पहले उनके हमशक्ल को गाड़ी से रवाना किया जाता ताकि सद्दाम हुसैन को बचाया जा सके। सद्दाम हुसैन पहले इराकी शासक थे जिनके खाने को वैज्ञानिक और डॉक्टर चेक करते थे। सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी इराक को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में लगा दी। वो कभी पूरी रात सो नहीं पाए। सद्दाम हुसैन कब और कहाँ होंगे ये उनके अलावा किसी को नहीं मालूम होता था। सद्दाम हुसैन ने इराक में पहली बार सख्ती से कानून लागू करवाए। उनकी दौरे हुकूमत में नेताओं को ऐश और इशरत की जिंदगी जीने की मनाही थी। उन्होंने अपनी सरकार से कई मंत्रियों को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि वो लग्जरी गाड़ियों में सज धज कर आते थे। सद्दाम हुसैन को फिजिक्स, हिस्ट्री और मिलिट्री साइंस में महारत हासिल थी। यही वजह है कि उनके दौर में इराक मिलिट्री साइंस के क्षेत्र में आसमानों पर पहुंच गया। उनकी लाइब्रेरी में विज्ञान और इतिहास से संबंधित दुनिया भर की किताबें मौजूद थीं। सद्दाम हुसैन खुद भी एक लेखक थे। उनकी लिखी किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को तिकरित में पैदा हुए। ये वही शहर था जहाँ कभी सलाहुद्दीन अयूबी जैसा शेर पैदा हुआ। सद्दाम हुसैन के पैदा होने से पहले ही उनके पिता दुनिया से चल बसे। माँ ने परवरिश की और फिर चचा उसे लेकर बगदाद चले गए। बगदाद में रहकर ही सद्दाम हुसैन ने साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल की और कुछ ही समय में इराक के सबसे बेहतरीन कमांडर बन गए। उन्होंने दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया अल काहिरा में तालीम हासिल की। ये वही यूनिवर्सिटी थी जिससे मोहम्मद मुर्सी और यासिर अराफात जैसे राजनेता पैदा हुए।
सद्दाम हुसैन को इराक का सबसे इंसाफ पसंद हुक्मरान कहा जाता है। जब उनके बेटे के जरिए चलाई गई गोली से एक समारोह को नुकसान पहुंचा, तो उन्होंने उसकी रोल्स रॉयस गाड़ियों को जलाने के आदेश दे दिए। सद्दाम हुसैन इराक के सबसे दानी इंसानों में से एक थे। उन्होंने एक अमेरिकी चर्च को करोड़ों रुपए की संपत्ति दान कर दी। अमेरिका के लोग सद्दाम हुसैन के इस कदम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने डेट्रॉइट शहर की चाबी सद्दाम हुसैन को सौंप दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सद्दाम हुसैन ने अपने खून से एक कुरान लिखवाया जो आज भी इराक में मौजूद है। उन्होंने इसके लिए लगातार 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया। इस कुरान को उम्मुल मारिक मस्जिद में आज भी देखा जा सकता है। सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी गलती उनका कतर पर हमला करना था। सद्दाम हुसैन को किसी ने गलत खबर दी कि कतर उनके देश का तेल चोरी कर रहा है और सद्दाम हुसैन बगैर सोचे समझे कतर पर हमला कर बैठे। उनके इस हमले ने अरब देशों में एक दहशत पैदा कर दी और पूरी इस्लामी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। सद्दाम हुसैन की जिद और फैसले अटल हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी इस गलती का जिंदगी भर पछतावा होता रहा। सद्दाम हुसैन ने इराक में बहुत से स्कूल और कॉलेज बनवाए। उनकी दौर हुकूमत में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी का गढ़ बन गया। इराक ने एक साल में इतने आविष्कार कर लिए कि अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं सद्दाम हुसैन भी परमाणु बम बनाने में कामयाब न हो जाएं। और यही वजह है कि उसने इराक पर बहाने से हमला कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने सद्दाम हुसैन पर 148 लोगों को मारने और परमाणु हथियार रखने का इल्जाम लगाया और इराक में अपनी सेनाएं उतार दी। जॉर्ज बुश के इशारे पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया ताकि उन्हें इराक की सत्ता और फिलिस्तीन की आज़ादी से रोका जा सके। सद्दाम हुसैन के 2 वकीलों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो सद्दाम हुसैन की पैरवी कर रहे थे। सद्दाम हुसैन के खिलाफ फैसला सुनाने से ठीक पहले जज बदल दिया गया और फिर वही हुआ जो अमेरिका और इस्लाम दुश्मन चाहते थे। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी देने का आदेश दे दिया गया। फांसी से पहले सद्दाम हुसैन ने वजू बनाया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत करते हुए तख्ते दार की तरफ बढ़ते चले गए। उनके दाएं हाथ में कुरान थी तो बाएं हाथ में तस्बीह और मुसल्ला। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कुरान जल्लाद के हवाले की और अल्लाहु अकबर के नारे के साथ फंदे तक पहुंच गए। मजमे में दहशत का माहौल था, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई वो बकराईद का दिन था। मुसलमान एक तरफ जानवरों को कुर्बान कर रहे थे तो अमेरिका सद्दाम हुसैन को। फांसी पर चढ़ते वक्त सद्दाम के माथे पर एक भी शिकन न थी। उनकी जुबान पर कुरान की आयतें जारी थीं। सद्दाम ने उस कपड़े को भी पहनने से मना कर दिया जो आम तौर पर फांसी के वक्त पहनाया जाता है। सद्दाम हुसैन वो पहले इंसान थे जिनकी मौत का मंजर पूरी दुनिया ने देखा। सद्दाम हुसैन को जब फांसी के लिए ले जाया जाने लगा तो उनकी सुरक्षा में लगे लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना बेहतरीन इंसान नहीं देखा था। ये इतिहास में पहली बार था कि एक इराकी प्रेसिडेंट की मौत पर अमेरिकी सेना आंसू बहा रही थी। सद्दाम को फांसी दिए जाने पर अमेरिकी सुरक्षा कर्मी एडम रोजरसन ने रोते हुए कहा कि हमने सद्दाम के साथ गद्दारी की है और हम हत्यारे हैं। सद्दाम हुसैन ने लोगों के दिलों पर हुकूमत की थी। जब अमेरिका ने उन्हें फांसी देने का ऐलान किया तो अमेरिकी सेना में बहुत से लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया। सद्दाम हुसैन हमेशा भारत के एक बेहतरीन दोस्त रहे। उनकी दौर हुकूमत में इराक हर मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा रहा। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही सद्दाम हुसैन के बेटों के नाम रखे थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक अगर सद्दाम हुसैन थोड़े दिन और जिंदा रहता तो मस्जिद अक्सा आज मुसलमानों के हाथ में होती। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी जरूर दे दी, लेकिन वो लोगों के दिलों से सद्दाम हुसैन की मोहब्बत को नहीं निकाल पाया। सच तो ये है कि सद्दाम हुसैन आज भी हर मुसलमान के दिलों में जिंदा हैं। सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलन, लेकिन आपके लिए क्या है कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और हमारा रिएक्शन ऑन सद्दाम हुसैन। एंड देखो, हर कोई इंसान ना ही वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना ही बहुत ज़्यादा गलत होता है। सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती है, बंदे का जो इंटेंशन होता है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड इंटेंशन, नियत कुरान में भी लिखा है ना, नियत, आपकी नियत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी नियत पे ही पूरा दारोमदार है, राइट। एंड अगर आपकी नियत सही है तो सब सही है, नियत गलत है तो फिर ख़राब है काम। तो नियत सही होनी चाहिए, इस बंदे की नियत सही थी। एंड इस वजह से उन्होंने अपने देश की, मतलब भाई अगर अमेरिका बीच में ना आता
तो इराक आज सबसे तगड़ा देश होता है कि नहीं, हाँ क्योंकि उन्होंने कितनी साइंस, उन्होंने क्या बोला, साइंस तरक्की कर रहा था, वही। पूरा हाँ एकदम चरम सीमा पे था साइंस, सच एंड उसकी वजह से इतने सारे वैज्ञानिक निकल रहे थे वहाँ से, एंड ऊपर से पैसे की कमी की, तेल इराक है भाई, पूरा अरब देश, फिर उसके बाद दैट्स द रीज़न ये कांड। एंड भाई सच में, अब मैं तो जब देखता होता ना ऐसे शॉर्ट्स देख रहा होता हूँ, हाँ इतना आता है ना सद्दाम हुसैन, इतने शॉर्ट्स आते बिल्कुल। हैं, इतने शॉर्ट्स आते हैं, इतने शॉर्ट्स आते हैं कि कोई हद नहीं भाई। एंड सोचो जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई तब वो हंस रहे थे। एंड जो सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिकी अफसर जो सद्दाम हुसैन के साथ 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो थे, 1-2 महीने आई थिंक, आई डोंट नो कितना टाइम थे, बट जो भी थे उनके साथ, वो उनके इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, वो उनको एज अ ग्रैंड फादर ट्रीट करते थे, हमने सुना था हाँ, राइट, सुना था। एंड एज अ ग्रैंड फादर ट्रीट करते थे, और उनको बड़ा दुख था और वो रोते भी थे। और एक एक बंदे ने एक बुक में लिखा है, आई थिंक शायद से कोई बुक है, उसने बुक लिखी है एंड उसमें ही सारी चीज़ें लिखी हैं उसने, पूरी पूरा उसने बताया है सद्दाम हुसैन के बारे में। एंड भाई इंसान अच्छा था यार, हाँ ही अच्छा वॉज था। गुड, ठीक है। अभी जालिमों के लिए जालिम था तो वो बात अलग है, अभी जालिमों के लिए तो जालिम ही होना पड़ेगा ना, जालिमों के लिए उनको थोड़ी प्यार की भाषा समझ आती है, हाँ सही बात है कि नहीं, सही। उनके लिए तो थोड़ा करना पड़ता है। बट हाँ हाँ, किसी इंसान से गलतियां तो होती हैं, जैसे उन्होंने बोला कि खून से कुरान लिखा, अभी जहाँ तक हमारी नॉलेज है कि खून पाक नहीं होता है, हाँ खून होता है, नापाक होता है खून, तो खून से कुरान लिखना इज़ नॉट अ राइट थिंग, जो मैं नहीं सही मानता इस चीज़ को। पता नहीं आप बताइए, अगर आपको इस चीज़ के बारे में क्या पता होगा, चाहे आप अपना पूरे का पूरा शरीर से खून ख़त्म करके भी कुरान लिखो तब भी वो सही नहीं है। एंड पहली बात तो खुद को नुकसान पहुंचा के ये चीज़ करना गलत है, क्योंकि हाँ आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड 26 लीटर खून निकालना 3 साल में कुरान लिखना सही। डजन, मतलब ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता है, ये मेरा मेरा ओपिनियन है। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट, यू गाइस टेल मी इन द कमेंट्स। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी सी यू। यू।